रोटी फट जाएगी, ऐसे नहीं रोटी नहीं पकती हो पकती। यार, एक तो मैं अनाड़ी, ऊपर से ये महान अनाड़ी। ये अपने घर से ये पहली चीज थी जो सीख गई थी। ये किसने कराई है मेरी शादी? अस्सलाम एवरीवन, और पांचवा रोजा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज पांचवी सहरी है और मैं ना नान खा खा के ना तंदूर की मेरी बस हो गई है। तो आज मैंने सोचा मैं घर में पराठे बनाऊंगी और देखते हैं कैसे बनेंगे। आई होप अल्लाह ताला प्लीज 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 इस रोजे के साथ के मेरे पराठे चले ना हुए, वो मजे के हो, मेरे पेट से अंदर चले जाए, इतने अच्छे हो। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम स्टार्ट करते हैं पेड़ा बनाना। और मुझे पेड़ा बनाना भी नहीं आता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बेगम जान, दही कहाँ है? दही फ्रिज? हाँ वो सच, दही तो खत्म हो गया था रात को इफ्तारी में। नाश्ता किससे करूँगा? नाश्ता मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसा करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं। अच्छा अभी हम बना लेंगे ऑमलेट। और बेगम, ऑमलेट का सुन के तो मेरा वैसे ही दिल मर गया। सच में ना बनाऊं फिर? खाने ढूंढ रही हो ना करने? सर मेरी भी तो छोटी काटनी है, तो फिर अच्छा सा ऑमलेट बनेगा। और एक एक मुझे नहीं लगता इनफ होगा। इनफ है, आप ना धनिया भी दोगे ना, उसको भी काटना है और जल्दी जल्दी करें, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। और टमाटर बनता होता है, आप इसको छोटा टमाटर कहते हो, इज इट छोटा? और यस, छोटा करें इनको। ये मेरी बेगम का स्पेशल ऑमलेट है। एक मोनप्रीत जो है ना, एक रेसिपी है इनकी, वो काफ़ी अच्छा बनाती है। मैं तो कहता हूँ कि जो अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं बड़े शौक से ये खा लेता हूँ। कुछ भी नहीं होता और अच्छा बनाती है। ये अपने घर से ये पहली चीज़ थी जो सीख गई थी, काफ़ी प्रैक्टिस करती आई थी जी। अभी देखें, ये धुआं भी निकल रहा है। ऑब्वियसली धुआं निकलेगा ही ना गर्म है तो। मैं अक्सर कहता हूँ बेगम अपने लिए कैसी बनाई है और मेरे लिए कैसी बनाई है, तो कहती हैं जो पहली रोटी होती है ना मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ और जो दूसरी रोटी होती है वो मैं थोड़ी ट्रेन हो गई होती हूँ ना, और ये 6 महीने 4-5 महीनों से ट्रेनिंग कर रही है। आपकी बार ट्रेनिंग होगी और मेरी मर्दबाजी हो, मैं एक्सपर्ट बन। रोटी बड़ी नहीं हो रही यार, जोर लगाओ ना। जोर नहीं लग रहा मेरे से। क्यों? आप लगाओ। मैंने जोर लगाया ना तो कुछ और बन जाएगा। आप जोर लगाएं, मेरी रोटी बड़ी नहीं हो रही। देखो बेगम, रोटी को कर आ, रोटी फट जाएगी, ऐसे नहीं रोटी नहीं पकती, पकती हो यार। ऐसे रोटी नहीं मैंने पकती। अपनी मामा से सीखा था। अगर मेरी रोटी खराब हुई ना तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। नीचे रखें रोटी को, ऐसे रोटी नहीं बनती। अब इसको ऊपर से ऐसे ऐसे करें। गाइस रोटी बन रही है, माय हस्बैंड गोना मेक रोटी। सही बना रहे हैं आप? सही। ओ आटा कितना गिरा दिया आपने? कौन सा? वो जो नीचे गिरा रहे हैं आप? तो आप रोटी सही बनाती नहीं है ना। ये कौन सा स्टाइल है रोटी बनाने का? सकते हैं एक तवा, दूसरा तवा और तीसरा तवा, ये अंदर आराम और एक उस तरफ भी पड़ा हुआ है। अब सही एक्सपर्ट हो गई हैं। अब देखिएगा रोटी का क्या असर होगा। आपको ना ऑस्ट्रेलिया का नक्शा नजर आया तो अब बात करना। शुक्र करें मैं बना के दे रही हूँ आपको और आपको नक्शों की। और मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा अपनी रोटी में और बेगम की रोटी में। यह सीख रही हूँ ना, प्रैक्टिस करती हूँ मैं पहली रोटी पे। आज अच्छी होगी, हाल गोल मटोल होगी, चकोर नहीं होगी। अल्लाह करे बस जल ना जाए, बस मैं तो इतनी दुआ। मैं नहीं जलने दूंगा या अल्लाह, जैसा भी नक्शा बनता है जली भी ना हो, क्योंकि मेरी रोज रोटी जल जाती है जब जब भी मैं बनाती हूं। तो कौन खाता है? आप। ये बात मुझे कभी चाहिए थी यार, साड़ी ना बाकी जो मर्जी आ जाए। आज मैं तुम्हें रोटी डालना और पकाना सिखाता हूँ, पकड़ो ये। रोटी को पकाने से ये डाल लो ऊपर पहले। नहीं ये पहले डालो, ये डालो ना बाप गंदी बाजू में बालों वाली पे। नहीं ये वैसे कभी केपी का और कभी ऑस्ट्रेलिया का, कभी जिम्बाब्वे का, कभी बांग्लादेश का, कभी नाइजीरिया का। जब एक बंदा 1 महीने बाद रोटी बनाएगा तो वो ऑब्वियसली भूल जाएगा ना कि कैसे बनती है। देखो मेरे आटे के अंदर गुठलियां हैं, इसे जल्दी ऊपर डालो इससे पहले कि ये फट जाए। इट्स टू बड़ा पराठा नीचे गिर गया। कैसे गोल बनी है? दोनों खाएंगे, ये दोनों की रोटी है, ये दोनों की नहीं है। अच्छी नहीं वैसे यार, ये पता नहीं क्या मसला है, बीच में सिर्फ आग लगती है, साइडों से रोटी कच्ची रह जाती है। यार ये जो इशू है ना, ये अक्वामे मुत्तहदा में लेके जाने वाला इशू है कि ये असल तवे का कसूर है। अच्छा पहले तवे का कसूर था, फिर हमने तवा चेंज किया, हम नया तवा लेके आए हैं। ठीक है ये मेरा नया तवा है, अब भी ये यही मसला है, अब किसका कसूर है?
नहीं बनाने वाले का कसूर तो नहीं, मुझे अपनी बेगम पे पूरा यकीन है। बेगम ये बेगम जवाब नहीं है आपका अपनी रोटी बनाने में, ये नहीं कहूंगा ये रोटी बनाने में, मैं कहूंगा जवाब नहीं है आपका अपनी रोटी अपने लिए रोटी। यार देखो जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, मैं दिल में बहुत दुआएं मांग रही होती हूँ, अल्लाह पाक बहुत सारी भूख लगी हुई है, और ना अगर रोटी सही नहीं बनी तो मेरी भूख मर जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर मेरे ऊपर करम करते हैं। कभी कभार वो सासू माँ आती हैं और अच्छी रोटी बना के दे जाती हैं। तंदूर से क्यों अच्छी नहीं खाते आप? हाँ तंदूर से तो अच्छी खाते हैं, तंदूर से खाते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी तो नहीं होती ना जो घर की अच्छी होती है। मेरे मियाँ डाल रहे हैं अंडा और अभी इसके साथ करेंगे हम सहरी, आज ना दही है हमारे पास और ना ही कुछ और, तो हम इसलिए हमने अंडा बनाया है और अंडे को इंजॉय करेंगे इस शक्ल के साथ। क्यों क्या करें इतने अच्छे, मैं ना उठती होती थी सिर्फ टेबल पे आके बैठती थी और पराठा और सहरी सब कुछ मुँह के आगे होता था। ये किसने कराई है मेरी शादी? शादी है बर्बादी ये नारे में लगवा, क्यों करवाई है मेरी शादी? जल्दी करे पराठे ठंडे हो रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड की रोटी है जो हमेशा चल जाती है, और ये मेरी रोटी है, इसको मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, दुआएं मांग मांग, और वेरी वेरी बिग थैंक टू यू कि आप मेरी जली हुई रोटी खा लेते हो विदाउट कुछ कहे। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने चाय नहीं बनाई सहरी में नाश्ते में, तो मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पी, और मेरे मियाँ पहले पीते थे लेकिन अब उनको भी चाय नहीं मिलती, अब वो भी चाय लेस हो गए हैं।